मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रामपाल जी, कई तरह की शिकायतें आ रही हैं आपके विभाग को लेकर कि जो पीआईयू है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी जो अफसर दफ्तर है उनसे भी पैसे लेता है और ठीक तरीके से जो निर्माण कार्य वो नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विभाग का लोक निर्माण विभाग और पीआईयू की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं जिसकी सराहना जगह जगह हो रही है। गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हो रहा और अच्छे काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज अच्छे भवन जिनकी कल्पना नहीं थे इतने अच्छे भवन बना के हम दे रहे हैं और इसमें इस तरह की कोई बात कहीं आती है। आंगनवाड़ी या स्कूल की बात करें, बिल्कुल बुरी तरह से जर्जर हो चली हैं, किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है और जो नई बिल्डिंग बनी है उनकी हालत ऐसी कि अब गिरी की तब गिरी। आप देख सकते हैं, मेरे साथ निरीक्षण कर सकते हैं, भवनों को बताऊंगा मैं, आप खुद कल्पना करेंगे कि इतने अच्छे भवन हम बना रहे हैं और जिनकी जनता भी सराहना कर रही है और प्रशंसा भी हो रही है। जहां तक बात है पुराने भवनों की तो उनकी भी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। 10% कमीशन की भी बात यहां पर आती है, कई ऐसे जो विधायक हैं वो दबे स्वर में बताते हैं कि उनके क्षेत्र में जब काम होता है तो कमीशन बिल्कुल खुलकर मांगा जाता है। इस तरह का एक भी प्रकरण कई जगह हमको शिकायत मिली, हमने कठोर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में हमने तय कर लिया कि ईमानदारी से काम हो, मजबूत भवन बने, मजबूत सड़कें बने और इसमें कहीं इस तरह की कोई गड़बड़ी करते तो वो ठेकेदार के खिलाफ भी और इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इतनी कठोर कार्रवाई हम आपको उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कि लोग इस समय बेईमान लोगों को मध्य प्रदेश में काम करने की कोई जरूरत नहीं, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि आप जो कार्रवाई की बात कह रहे हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, किन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया गया, जो अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं आप खुद मौके पर जाके मुआयना कर सकते हैं, तो एक नज़ीर पेश की जा सकती है, उनके नाम को चस्पा किया जा सकता है। पूरी लिस्ट जिन ठेकेदारों को काली सूची में डाला, जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी पूरी लिस्ट आपको उपलब्ध करा देते हैं। आपसे भी आग्रह है कि उसको प्रसारित करें। बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल सिंह जी। तो कहीं ना कहीं रामपाल जी की तरफ से तो सख्त निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में अधिकारी मंत्री की कितनी सुनते हैं और वाकई में पीडब्ल्यूडी विभाग क्या भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।